नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ इस समय खास मुलाकात प्रोग्राम में। लुधियाना में मैकऑटो एग्जीबिशन लगी हुई है और इसमें जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने लेटेस्ट जो उत्पाद हैं, लेटेस्ट मशीनरी है, मदर मशीनरी, उसको डिस्प्ले कर रही हैं ताकि लुधियाना, पंजाब, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, उसकी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सके, वहाँ नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा सके, नए नए इनोवेशंस की जा सके। सो इसी में आज हम पहुँचे हैं मेटल पावर के स्टॉल पे, जहाँ पे मिस्टर मुकंद हैं जो हमें बताएंगे कि आज इन्होंने किस तरह की चीज़ें लॉन्च करी हैं जो लुधियाना, पंजाब और इंडिया की इंडस्ट्री को फोकस करके क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया है? देखिए, ये हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर्स बनाते हैं जो आपके मेटल्स को टेस्ट करके रिजल्ट्स देते हैं जी। तो ये हमारा लेटेस्ट लॉन्च है, जो हमारा नया मॉडल है। इनफैक्ट ये पहली बार हम लोग डिस्प्ले पे हमने लगाया है, तो लुधियाना में पहला जो ये है वो हमारे विश्व भर में पहला हम दिखा रहे हैं। इसमें आपको किसी भी मेटल का कोई भी एलिमेंट जो है 1 PPM से नीचे तक भी रिजल्ट आपको मिल जाता है एक्यूरेटली। भले आप उसको में ऑक्सीजन देखना चाहें, नाइट्रोजन देखना चाहें, जो कि बाकी लोग भी नहीं कर पाते, वो भी हम 1-1 PPM तक एनालिसिस इसमें देते हैं। ये वाला जो हमारा मॉडल है, ये हमारा टॉप एंड मॉडल है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है ऑलरेडी, और जैसे अभी लेटेस्ट हमारा एक कैटरपिलर में भी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हुआ है। पर हम कुछ किस्मत समझते हैं लुधियाना वाले कि आपने लुधियाना को इस लायक समझा और लुधियाना की एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम इसको डिस्प्ले किया है। नहीं नहीं, इसमें मतलब हमें धन्यवाद कहना चाहिए, लुधियाना की मार्केट अच्छी है और यहाँ पे कंपनियाँ भी बहुत सारी हैं जो कि मतलब जिनको फ़ायदा होगा कि कोई हाई एंड प्रोडक्ट्स हों। जिसमें इस प्रोडक्ट के लॉन्च आपका डिस्प्ले करने का हम ये मतलब समझें कि कहीं ना कहीं लुधियाना की जो इंडस्ट्री है, नाउ दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी। लुधियाना इंडस्ट्रीज हैव ऑलवेज बीन कॉन्शियस अबाउट क्वालिटीज। आप क्वालिटी आप अगर देखें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो बड़े जो स्टील मेकर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े OEMs को सप्लाई करते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर हो चाहे जैसा भी हो। तो ये भी उसी और सेगमेंट के लिए हो। ये उस सेगमेंट के लिए दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट दे शुड बी यूजिंग। अभी तक ऐसा नहीं है कि वो स्पेक्ट्रोमीटर्स नहीं यूज़ करते हैं, वो अभी भी अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज़ करते हैं, पर अभी वो इम्पोर्ट होते हैं। तो हमारा जो है इनिशिएटिव, हमारा ये है कि साहब अब मेक इन इंडिया में ही आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, हमने इन प्रोडक्ट्स में कई सारे ऐसे फीचर्स डाले हैं जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में भी आपको नहीं मिलते। सर, तो एक ऐसी धारणा रहती है कि इंडिया में प्रोडक्ट ज़रूर बन जाता है लेकिन उसकी कॉस्टिंग और इंपोर्टेड प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। फिर लोगों को ये एक परसेप्शन हो जाती है कि जब 10 रुपये खर्च ही रहे तो 11 खर्च के इम्पोर्टेड क्यों ना लें। सो इसके बारे में क्या कहूँ? सर देखिए, अब ये है कि अब जैसे इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें कॉस्ट का बेनिफिट कहाँ से आएगा अगर मुझे क्वालिटी मीट करनी है? बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई आज के दिन भी ये सोचता है कि नहीं भाई, इंडियन प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन प्रोडक्ट से सस्ता होना चाहिए, 30% सस्ता होना चाहिए, मैं ये पूछता हूँ कि साहब आपको क्या 30% कम क्वालिटी भी चलेगी? बिल्कुल ठीक है। 20 साल पहले इंडियन इंडस्ट्री ऐसा सोचती थी कि हाँ भाई जुगाड़ कर लेंगे, आज कोई जुगाड़ करने को तैयार है नहीं और हम भी जुगाड़ नहीं करते। अगर मैं जुगाड़ नहीं करता तो मैं कॉस्ट कहाँ बचाऊँगा? बिल्कुल ठीक है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ग्लोबल कंपनीज भी चेस करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे लिए आधे का पैसे में काम करेंगे। रिसर्च मेरे खुद की है, ओरिजिनल है। प्रोडक्ट्स जहाँ पे मुझे ऑप्टिकल कंपोनेंट्स लेने हैं, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट सोर्सेज से लेता हूँ। मैं कहाँ पे, यहाँ पे कॉस्ट सेविंग की बात है। और फिर भी मेरा ये कहना है कि बायर जो है वो सब समझता है। तो आज के दिन चाहे वो स्टरलाइट हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे जेस्टैम, स्पैको, ISMT, ये किसी भी बायर के पास, वेदांता के पास, जिंदल के पास पैसों की तो कमी है नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो हमारा प्रोडक्ट्स, हमारे आजकल वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने हमसे ख़रीदा है। भारत फोर्ज ने जो लिया है वो प्राइस देख करके नहीं लिया है, प्रोडक्ट को टेस्ट करके, क्वालिटी देख करके फिर ही लिया है। तो आई डोंट थिंक कि प्राइस में अब उतना बायर्स का भी फोकस है, खास करके इस सेक्टर में जहाँ पर क्वालिटी इज़ पैरामाउंट, वहाँ पे बायर जो है परफॉर्मेंस देख के ही लेगा, भले ही उसे दुगना भी देना पड़े। तो मैं इंपोर्टेड के मुकाबले अगर 1/3 में बेचूं तो भी अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो बायर नहीं लेने वाला है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी कोविड के सिनेरियो में सब कुछ रुक गया था, फॉरेन से भी मतलब उतना ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया था, तो इस सेगमेंट में, इस मंथन में हमने क्या नया बनाया और किस तरह का रिस्पॉन्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए है हमारा? देखिए, कोविड के टाइम पे तो हमारा भी काम बंद हो गया था, लॉकडाउन जब होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो वैसे ही बंद हो गया था,
पर हमने डेवलपमेंट में काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। तो जैसे इस मॉडल में कई नए फीचर्स आए हैं, कई चीज़ें आई हैं जो ग्लोबली कोई नहीं ऑफर करता है। प्लस हमने यूज़र्स के लिए कई नई चीज़ें डाली हैं, जैसे ये टच स्क्रीन लगा दिया है, इसमें आपके कई सारे फीचर्स हमने ऐसे ऐड करे हैं जो कि जैसे टच स्क्रीन ही कोई नहीं देता, डायग्नोस्टिक्स तो अलग ही चीज़ है। इसके साथ हमने जैसे वायरलेस डिस्प्लेस का कनेक्शन किया है कि आप 5 किलोमीटर की रेडियस में आप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आता है, मोबाइल पे अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो चाहे ओनर जो है वो चेन्नई में बैठा हो, वो फिर भी रियल टाइम में देख सकता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमने बनाई है, यूज़ कर दी है बिल्कुल। तो सारा इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जब सब लोग बढ़ रहे हैं तो हमने वो एनेबल किया है सबके। तो क्या कहना चाहोगे जो आपके यूज़र हैं या कुल मिला के जो अभी सोच रहे हैं कि हम चेंज करें कि नहीं करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो आपको क्वालिटी के जो एक्सपेक्टेशन हुई होती है लोगों को, वो हम मीट ही नहीं करते, उसको हम एक्सीड करते हैं। हमारा हमेशा एम ये रहता है कि हम इम्प्रूवमेंट्स नए लाते रहें, नए फीचर्स लाते रहें, नए डेवलपमेंट्स करते रहें। और जो चीज़ पहले 50 लाख 40 लाख में इम्पोर्ट होती थी, आज के दिन वही चीज़ आप इंडिया में खरीद सकते हैं। और इकोनॉमी में भले ही मैंने कहा हो कि भैया मैं कॉस्ट का कितना कंट्रोल करूं, हमने प्राइस, हमारी प्राइस जो है हमेशा ऐसी रही है कि कस्टमर्स के लिए इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि हमारा एम ये रहा है कि कस्टमर्स को वैल्यू मिलना चाहिए, उनके प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए। तो हम इकोनॉमी भी ऑफ़र करते हैं, फीचर्स भी सारे ऑफ़र करते हैं, और सर्विस जो है, अभी हम भी भारतीय हैं, हमारे भी यहीं पे लोग हैं, हमारा ऑफिस ही यहीं पे है, तो सर्विस में भी हम। कौन से सेगमेंट के लिए सबसे फ्रूटफुल है? कोई भी आदमी जो या मेटल बनाता हो या यूज़ करता हो, चाहे वो स्टील मेकर हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, निकल, या कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के पार्ट्स बनाता हो, कोई फास्टनर्स बनाता हो, कोई रेलवेज के लिए काम करता हो, सबके लिए यूजफुल। तुम्हारा नाम? मेरा नाम निरवजीत सिंह गरेवाल है। केड़ी कंपनी के लिए थोड़ी सर? जेवू मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो की लॉन्च कीता है अज इत्थे? असी इत्थे बीएमसी मशीन्स लेके आए हैं, टर्निंग लेके आए हैं, इहदे विच दो सैगमेंट लेके आए हैं। वैसे साढ़े को जो कवरेज हैगी लीनियर मशीन तो लेके 1.5 मीटर तक की मशीन अवेलेबल है। ओके, सो की ए किस सैगमेंट लिए है? ये ऑटो पार्ट, साइकिल पार्ट, एरोनॉटिक्स, डिफेंस, रेलवेज, हर सैगमेंट नू कैटर कर दी है मशीन। ओके, सो कोविड दे विच जिवें बहुत सारा एक चांस मिलिया इंडिया नू फॉरेन कंपनी अपने फॉरेन कंपनीज दे अगेंस्ट अपने आप नू एस्टैब्लिश करन दा, सो किदां दा इस टाइम एटमॉस्फेयर? इस टाइम कोविड तो बाद पहला नालों 2 times ग्रोथ मल्टीप्लाई हो रही है और बहुत फास्ट इंडिया डिवेलप कर रहा, जिहड़ा इन्होंने इंपोर्ट घटाई है हुण बैन किया वो, और इंटरनेशनल इंपोर्ट से जी कारगो बहुत महंगी हो गई है, ये करके इंडियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। कितना दा तुहानू स्कोप मिल रहा है कि इंडिया दे विच ज़्यादा मिल रहा है या एक्सपोर्ट मार्केट से भी? एक्सपोर्ट मार्केट नू असी अजे फिलहाल नहीं कैटर कर रहे, पर काफ़ी इनकुआरी साढ़े को आ रही है, असं 2025 टारगेट कर रहे हैं, उदो एक्सपोर्ट करांगे। इंडिया दे विच वी हैव पैन इंडिया प्रेजेंस है साड़ी, तो पैन इंडिया च सेल्स और सर्विस असी कैटर कर रहे हैं, तो उत्थों बहुत अच्छा रिस्पोंस आ रहा। साउथ इंडिया की मार्केट बहुत वधिया डिवेलप हो रही है, उत्थे डिफेंस और एरोनॉटिक्स बहुत डिवेलप हो रहा है इस टाइम, उहदे वास्ते असी स्पेशल हाई प्रसीजन मशीन्स लेके आए हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री नू कैटर करन वास्ते। सारी मशीनें जिहड़ियां इंडिया च बना रहे हो तुसीं या इंपोर्ट कर रहे हो? असी इहदा जिहड़ा समान है सारा इंपोर्ट हो रहा है, डायरेक्ट इंपोर्ट, और असी मैनुफैक्चरिंग सारी इत्थे बना रहे हैं, और जिहड़ी मैनुफैक्चरिंग बनाउण वास्ते मशीनरी है वो सारी लेटेस्ट जर्मन जापान दियाँ असी लगाइया हुई हैं, चाहे वह मैनुफैक्चरिंग दे डबल कॉलम्स ने, ग्राइंडर्स ने, या मशीन नू बना के टेस्ट करन लई लेजर ने, बॉल बार ने, हो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ने, वो सारे असी इंपोर्ट किए हुए। एग्जीबिशन तो ऑलवेज बहुत वधिया रहिंदी है, और इस बार इन्होंने अपना लैंड ले लिया, पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं सी वो भी दूर हो गई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जेन्युइन बायर आ रहा, एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि जेन्युइन बायर आ रहा। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मुकुंद जी, जिन्होंने दो मेटल पावर के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव, और ख़ुद इन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरह आज के टाइम में जो क्वालिटी है पूरी की पूरी इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ रही है। तो इसलिए हर इंसान को जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा है उसको जो है क्वालिटी प्रोडक्शन में फाइनली आना ही पड़ेगा, और इसके बिना प्रगति नहीं है। सो ऐसे ही अलग अलग जो इंटरेस्टिंग पहलू हैं उनसे आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहो, बने रहो जनहित ऐसी। धन्यवाद।